हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आफिया। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो भी गोल्ड ज्वेलरी पे है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने मेरी तनिष्क ज्वेलरी बहुत पसंद की, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ एक और ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँ मैं। तो ये वीडियो सैंडिकेट ज्वेलर्स है, जो कि रांची से मैंने ख़रीदा है, रांची से मेरे इन लॉज ने ख़रीदा था। तो ये सैंडिकेट ज्वेलर्स हैं, वहाँ का बहुत फेमस ज्वेलर्स है सैंडिकेट, बेस्ट इन गोल्ड एंड डायमंड्स, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, बहरमपुर, रांची। ये पांच जगह इनकी चेन है। और ये जैसे कि मेरा फर्स्ट ज्वेलरी बॉक्स जो है, इसके अंदर एक पेंडेंट है और दो इयरिंग्स हैं। एज यू कैन सी, ये अंदर चला गया। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं आपको अभी इसकी डिज़ाइन बहुत क्लियर दिखाऊँगी और इसका ग्राम भी बताऊंगी कितना इसका वेट है, पर इसका प्राइस नहीं बता सकती क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसका प्राइस नहीं बता सकती। तो ये ज्वेलरी, मेरी दोनों ही ज्वेलरी 22 कैरेट्स पे हैं। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ये दोनों ही ज्वेलरी 22 कैरेट्स पे हैं। और ये जो इसका पेंडेंट है, एज यू कैन सी दिस इज़ द पेंडेंट, और ये डेली वेयर पेंडेंट है। मैं इसको डेली पहनती हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये गड़े, और यहाँ पे देखिए स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये पेंडेंट का जो वेट है वो 2.8 ग्राम्स। और ये देखिए पीछे से ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही मज़बूत है पेंडेंट ये। तो मतलब इसे डेली मैं पहन रही हूँ तो बिल्कुल भी मतलब ये टूटा फूटा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। तो ये ज्वेलरी है, मेरी इयरिंग्स है। एज यू कैन सी दिस इज़ माय इयरिंग्स एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी। और इसका जो वेट है वो 5.8 ग्राम्स है। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर बॉल है, फिर नीचे इसका ये चीज़ इसका अलग भी हो जाता है, और यहाँ तीन छोटी छोटी बॉल है, तो ये चीज़ इसकी बहुत प्यारी लगती है पहनने पर। और ये जो है ये ईज़िली यहाँ से ऐसे अलग हो जाता है, तो जैसे आपका कभी इतना हैवी पहनने का मन नहीं है तो आप इसको पहन सकते हैं खाली, और जैसे डेली वेयर में जैसे भी, अगर आपको डेली वेयर उतना भारी पहनना है तो आप वो भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके की ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। ये 2-in-1 ज्वेलरी होती है, आप नॉर्मल भी पहन सकते हैं, बड़ा भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके की ज्वेलरी लेनी चाहिए। और देखिए कितना ही कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है। तो अब चलते हैं दूसरी ज्वेलरी की तरफ। मैं इसको रख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको दूसरी ज्वेलरी। तो ये मेरा पेंडेंट, और इसमें चेन नहीं ना, तो चेन में दूसरी चेन में डाल के इसको पहनती हूँ। ये मेरा पेंडेंट और ये मेरे इयररिंग्स। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी ज्वेलरी। तो दूसरी ज्वेलरी में मेरा एक गोल्ड सेट है, दिस इज़ माय गोल्ड सेट, दिस इज़ हाफ लॉन्ग सेट। इसको हाफ लॉन्ग सेट कहते हैं, पेंडेंट सेट भी कहते हैं, पेंडेंट लॉन्ग सेट भी कहते हैं। एज यू कैन सी, ये भी आपका सिंडिकेट ज्वेलर्स से है, जो कि रांची से लिया गया है। अब मैं आपको इसकी डिज़ाइन दिखाती हूँ, मैं इसके इयररिंग्स दिखाती हूँ पहले आपको। तो ये इसके इयररिंग्स हैं, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ये बहुत ही प्यारे इयरिंग्स हैं, पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो ये डिज़ाइन है ना, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप देख रहे हैं बिल्कुल भी मतलब बहुत खूबसूरत लगता है ये पहनने पे। दिस इज़, तो ये इसके इयरिंग्स हैं। मैं इयरिंग और सेट दोनों का वेट एक साथ बताऊँगी, क्योंकि इसका वेट अलग अलग नहीं है, एक साथ ही है। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है इयररिंग्स हैं इसके, डिज़ाइन क्लियर होगी आप लोग के लिए। तो और ये काफ़ी लॉन्ग इयररिंग्स नहीं है, क्योंकि लॉन्ग इयररिंग्स मतलब हर फंक्शन में आप लॉन्ग इयररिंग्स नहीं पहन सकते ना, तो ये नॉर्मल इयररिंग्स हैं, पर ये अच्छे खूबसूरत इयररिंग्स हैं। मैं अब आपको इसका सेट दिखाती हूँ। ये इसका पेंडेंट है, वेट, ये इसका पेंडेंट है, इयरिंग केज जैसा है, देख सकते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल,
और ये इसकी चेन सेट है, तो ये लॉन्ग चेन सेट है कहलाता है। इसकी डोरी मुझे चेंज करानी है क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मुझे इसकी डोरी चेंज करनी। लास्ट टाइम मुझसे ये ख़राब हो गई थी जब मैंने इसको पहना था। तो ये इसकी चेन है और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एज यू कैन सी। तो इसका जो पूरा वेट है वो 25 ग्राम्स का ये सेट है और पहनने पे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, तो ये इसके इयररिंग्स और ये इसका पूरा सेट है। तो मेरी वीडियो आज की यही दो ज्वेलरीज पे थी, एक ये मेरा पेंडेंट और इयररिंग एंड एक ये मेरा सेट। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।